कुशल नेतृत्व, सफल सरकार, खुशियां लाई बहुगुणा सरकार। उत्तराखंड में विकास की जो तस्वीर पिछले एक साल के दौरान बनी है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की ईमानदार कोशिशों का ही नतीजा है कि प्रकृति की गोद में बसा उत्तराखंड तरक्की की दौड़ में सबसे आगे नजर आ रहा है। प्रदेश की जनता इस विकास से काफी उत्साहित है। प्रदेश में रोजगार के अवसर मिलने से युवा अपना भविष्य उज्जवल देख रहे हैं। राजकीय सेवाओं में सामान्य वर्ग में आवेदक की आयु सीमा को 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दिया गया है। इंटर पास बेरोजगार को 500 रुपए, स्नातक बेरोजगार को 750 रुपए और स्नातकोत्तर को 1000 रुपए प्रति माह भत्ता दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, उत्तराखंड में उद्योगों के विकास का भी पूरा ख्याल रखा है बहुगुणा सरकार ने। प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मेगा इंडस्ट्रीज योजना शुरू की जाएगी। खादी के लिए दी जाने वाली सब्सिडी की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जा चुकी है। विकास की दौड़ में पीछे रह गया गरीब तबका भी हो गया है विकास की दौड़ में शामिल। और विजय बहुगुणा सरकार की विकास योजनाओं की बदौलत रहन सहन के स्तर में आया है सुधार। APL को अब प्रति माह सिर्फ 2 किलो नहीं 10 किलो चावल देने का शानदार फैसला किया गया है। हरे भरे उत्तराखंड में कृषि और किसानों के हित का भी बहुगुणा सरकार ने रखा है पूरा ख्याल। किसानों को 5 लाख रुपए तक के कृषि ऋण पर स्टाम्प ड्यूटी से छूट देने का निर्णय। चिकित्सा के क्षेत्र में भी प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है उत्तराखंड। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुगुणा सरकार ने प्रशंसनीय कार्य किए हैं। शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े 28 ब्लॉकों में छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। कक्षा 1 से 8 तक के APL छात्रों को भी स्कूल यूनिफॉर्म निःशुल्क दी जाएगी। PPP मोड पर पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और CBSE पैटर्न पर स्कूल खोले जाएंगे। इन स्कूलों में 50% सीटें SC वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षित होंगी। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं को बनाया गया है। बहुगुणा सरकार ने केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से 250 करोड़ रुपए की मेगा योजना तैयार की है। राज्य के नागरिकों को बिजली कटौती से ना जूझना पड़े इसके लिए 330 मेगावाट की धौली गंगा और गौरी गंगा जल विद्युत परियोजना, टिहरी में 2.4 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना को जल्दी आरंभ किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार से 300 मेगावाट की लखवाड़ परियोजना की स्वीकृति भी प्राप्त की है। यानी हर ओर है उन्नति का नजारा, है प्रगति पथ पर उत्तराखंड हमारा। विजय बहुगुणा की सरकार ने बदली तस्वीर, अब जाग उठी है उत्तराखंड की तकदीर।